आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आई एम सुधीर जी के जो योगिक चक्र होते हैं, सेवन चक्रास, सप्त चक्र जो है हमारे शरीर के, उनको चेक करते हैं ऑरा स्कैनर के माध्यम से। इसे यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैन कहते हैं, स्कैनर कहते हैं, और इसके माध्यम से हम सातों चक्रों की स्टडी करेंगे। हर चक्र का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, अपना अपना महत्व है। हमारे चक्र एक्टिवेटेड होने चाहिए, जागृत होने चाहिए। अगर कोई भी चक्र ब्लॉक होता है तो उस चक्र से रिलेटेड ग्लैंड्स पर प्रॉब्लम आती है। जब ग्लैंड से प्रॉब्लम आती है तो उस रीजन से रिलेटेड डिसीज़, रोग पैदा होते हैं। इसलिए सातों चक्र हमारे एक्टिवेटेड रहने चाहिए, और उसको चेक करने के लिए हम लोग ऑरा स्कैनर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सुधीर जी का मूलाधार चक्र डिटेक्ट करेंगे। मूलाधार चक्र का मतलब रूट चक्र। इसका हमने सैंपल इसमें डाल दिया है मूलाधार चक्र का। ऑरा स्कैनर को हम ऑन करते हैं और इसकी एक लैंग्वेज है। अगर ये चक्र इनका एक्टिवेटेड होगा तो ये राइट मूव करेगा, अगर चक्र ब्लॉक होगा लेफ्ट मूव करेगा। अगर चक्र ब्लॉक होगा तो उसको भी हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, और उसकी एक रेमेडी होती है, वो रेमेडी को फॉलो करना पड़ता है। क्या सुधीर जी का मूलाधार चक्र रूट चक्र एक्टिवेटेड है या नहीं? यस एंड नो। क्या मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड है? यस एंड नो। तो सुधीर जी का मूलाधार चक्र जो है एक्टिवेटेड है। मूलाधार चक्र रूट चक्र आपके बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का छोर है। रूट चक्र का संबंध गणेश जी से है, उसके देवता गणेश हैं। उनका बीज मंत्र लम है। गणपति उपासना करने से रूट चक्र ठीक होता है। जिनका रूट चक्र ब्लॉक होता है उनको गुदा संबंधी रोग होते हैं, पाइल्स, बवासीर वगैरह इस तरह के रोग होते हैं। तो मूल चक्र आपका ठीक रहना चाहिए। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है। स्वाधिष्ठान चक्र के देवता विष्णु माने गए हैं। नाभि से चार उंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र होता है। इसको हारा भी बोलते हैं, हारा चक्र भी बोलते हैं। अगर आपका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक होता है तो पेशाब संबंधी रोग, किडनी, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी के अंदर। और इस चक्र का संबंध हमारा एड्रिनल ग्लैंड से भी है, तो उस ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। तो हम लोग जो है सुधीर जी का स्वाधिष्ठान चक्र देखते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र इनका काम कर रहा है कि नहीं है। सो में द स्वाधिष्ठान चक्र, सुधीर जी, इज इट वर्किंग और नॉट? यस, इट इज़ वर्किंग। इनका स्वाधिष्ठान चक्र बिल्कुल ठीक है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जिनका ब्लॉक होता है उनको विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए। नाभि से चार उंगल नीचे इसका बीज मंत्र वम है, वम बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ये इनका नाभि चक्र है। नाभि चक्र और सोलर प्लेक्सस में थोड़ा फर्क होता है, आसपास ही दोनों चक्र स्थित होते हैं। तो नाभि चक्र जो है अभी हम चेक कर रहे हैं। शो द नाभि चक्र, इज इट वर्किंग? यस एंड नो। यस, इट इज वर्किंग। नाभि चक्र सुधीर जी का बिल्कुल ठीक है। अगर नाभि चक्र ब्लॉक होगा तो पेट संबंधी रोग होंगे। सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र का भी क्षेत्र जो है नाभि के नज़दीक है। नाभि का सेंटर है ये मणिपुर। मणिपुर चक्र के देवता सूर्य बताए हुए हैं। मणिपुर चक्र में सूर्य का ध्यान करना चाहिए। सूर्य का ध्यान करने से, गायत्री का जाप करने से मणिपुर चक्र जो है एक्टिवेटेड रहता है। उसका बीज मंत्र रम है, अग्नि तत्व की उसमें प्रधानता होती है। जिनका मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है उनको मंदाग्नि रोग होता है, खाया पिया हजम नहीं होता, शरीर में नहीं लगता। तो ये हमने देखना है कि क्या मणिपुर चक्र काम कर रहा है। सोलर प्लेक्सस, इज इट वर्किंग? सुधीर जी का शो मी द पोजिशन। यस, तो इनका जो है मणिपुर चक्र ठीक से काम कर रहा है। नाभि इनकी बिल्कुल ठीक है, सेंटर इनका बिल्कुल ठीक है, उससे जो है उस रीजन से रिलेटेड बीमारियाँ नहीं आती।
अनाहत चक्र, अनाहत चक्र जो है हृदय स्थान पे होता है। अनाहत चक्र अगर ब्लॉकेज उसमें आती है तो हृदय संबंधी रोग होते हैं। अनाहत चक्र का देवता माँ भगवती दुर्गा को माना गया है, तो अनाहत चक्र आपका ठीक होना चाहिए। और इसका संबंध थाइमस ग्लैंड से होता है। अगर अनाहत चक्र ब्लॉक होता है तो थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, और उसकी प्रॉब्लम की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हृदय गति में अवरोध पैदा होता है, तो हृदय संबंधी रोग पैदा होते हैं। तो हम देखते हैं सुधीर जी का अनाहत चक्र काम कर रहा है या नहीं। तो शो द रिजल्ट, अनाहत चक्र इज इट वर्किंग, यस एंड नो। तो इनका अनाहत चक्र जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है, थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका चक्र ब्लॉक होता है उनको देवी की उपासना करना चाहिए और ग्रीन कलर को मेडिटेट करना चाहिए, उसको लेशा प्रेक्षा बोलते हैं, कलर मेडिटेशन। ये तीन तो ठीक है। उसके बाद जो है हम थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र को रीड करेंगे। विशुद्धि चक्र जो है वो थायराइड से रिलेटेड होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। इसमें कोई अगर दिक्कत आती है, कोई रोग होता है, तो वो चक्र ब्लॉक होता है। आपका विशुद्धि चक्र बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वाणी का क्षेत्र है, वाणी के अंदर जो ओजस्विता है वो विशुद्धि चक्र के जागरण से होती है। जितने भी लेक्चरर्स हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं, व्याख्यान देने वाले लोग हैं, उनका ये चक्र बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं विशुद्धि चक्र जो है सुधीर जी का काम कर रहा है कि नहीं। तो इज़ इट वर्किंग और नॉट। तो इनका विशुद्धि चक्र बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वाणी ओजस्वी है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र थर्ड आई सेंटर हमारा, कहते हैं मन माया दिल द्वारिका काया काशी जान दसम द्वारे देवरे तामे ज्योति पहचान। ये लाइट का, प्रकाश का केंद्र है, यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र से ही इंट्यूशन होता है, जिसका आज्ञा चक्र जितना ज़्यादा जागृत होगा वो उतना अच्छा इंट्यूशन उसके अंदर होगा और उतना अच्छा वो भविष्यवक्ता हो सकता है। तो आज्ञा चक्र के जो है हायर स्टडी के लिए आज्ञा चक्र जागरण होना बहुत ज़रूरी है। ये मस्तिष्क क्षमता को दर्शाता है। तो क्या सुधीर जी का आज्ञा चक्र वर्किंग है या नहीं? इज इट वर्किंग, यस एंड नो। यस इट इज़ वर्किंग। तो ये इनका आज्ञा चक्र बिल्कुल ठीक है, सही काम कर रहा है, दिमागी सोच, दिमागी काम अच्छा है इनका। आज्ञा चक्र जो है, उसके बाद हम क्राउन चक्र, जिसको सहस्रार चक्र कहते हैं, यहाँ पर एक उल्टे कमल, हज़ार पंखुड़ी वाले उल्टे कमल का जो ध्यान किया जाता है, ये कॉस्मिक एनर्जी की एंट्रेंस है। यहाँ पे आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से संपर्क आपका बनता है चक्र के माध्यम से। ये चक्र आपका अगर एक्टिवेटेड है तो जो डिवाइन एनर्जी है वो आपके शरीर में बहुत ईजिली फ्लो करती है। तो ये चक्र हमेशा ठीक होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है ये चक्र। जिनका ये चक्र ब्लॉक होता है उनको ज़्यादातर सिर दर्द की शिकायत रहती है, सिर में भारीपन रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स आती है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या सुधीर जी का ये क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है या नहीं। क्राउन चक्र इज इट एक्टिवेटेड और नॉट। तो इनका क्राउन चक्र भी एक्टिवेटेड है। तो इससे ये पता चलता है कि इनके सारे चक्र एक्टिवेटेड है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है। हेलो। तो हम ये मान के चलते हैं कि सुधीर जी की दिनचर्या काफ़ी सदी भी होनी चाहिए, और ये नियमित रूप से योग साधना या कुछ इस प्रकार के ध्यान धारणा इस तरह की साधना करते होंगे, क्योंकि इनके चक्र सभी ओपन है और अच्छी पोजिशन दिखा रहे हैं। तो क्या सुधीर जी ऐसा है कि आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, कुछ साधना करते हैं, योगिक क्रियाएँ करते हैं? तो ये करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, ध्यान साधना भी करते हैं। यही कारण है कि इनके चक्र पूरी तरह से एक्टिवेटेड है और पूरी तरह से स्वस्थ हैं मन से और शरीर से। धन्यवाद।